दोस्तों आप लोग कैसे हो, टेक सेवन यूट्यूब चैनल से मैं सम्राट। तो रूम चेंज हो रहा है, इसके लिए जो है आपको देखेंगे सेटअप भी कंप्लीट चेंज देखने को मिल रहा है। ऑडियो में भी थोड़ी इको आ सकता है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो रियलमी ने G60 एंड G40 लॉन्च किया। G60 जो है बेसिकली रियलमी 8 प्रो एंड रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के साथ कॉम्पिटिशन के लिए लॉन्च किया गया। G40 को जो है रियलमी 8 एंड इसके साथ रेडमी नोट 10 प्रो के साथ कॉम्पिटिशन देने के लिए लॉन्च किया गया। इसके अंदर से अगर G40 को देखेंगे, G40 भी काफी प्रॉमिसिंग प्राइस के साथ आ रहा है। तो ये फोन का बेस वेरियंट जो है आपको 4GB रैम 64GB के साथ देखने को मिल जाएगा आपको 14,000 रुपया में। सेम टाइम इसका अपर में जो है 6GB रैम प्लस 128GB का वेरियंट जो है 16,000 में मिलेगा। और ये जो 6GB रैम प्लस 128GB का वेरियंट है, ये वेरिएंट का अगर देखेंगे प्राइस वाइज देखा जाए तो बहुत ही अच्छा हम लोगों को डील प्रोवाइड कर रहा है। सेम टाइम अगर हम लोग रेडमी नोट 10 प्रो को देखेंगे तो ये फोन भी जो है 6GB रैम 128GB के साथ अगर आप लेने जाएंगे तो आपको 17,000 देना पड़ेगा। टेक्निकली देखा जाए तो दोनों फोन के अंदर 1,000 रुपया का डिफरेंस है और 1,000 रुपया ज्यादा दाम है रेडमी नोट 10 प्रो। ये तो फोन के अंदर कंपैरिजन में आपको जानने को मिलेगा आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। और अगर आप रेडमी नोट 10 प्रो लेते हो तो क्या एडवांटेज मिलेगा, नहीं तो अगर आप मोटोरोला का G40 लेते हो तो आपको क्या एडवांटेज मिलने वाला है, तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखते रहे। तो दोस्तों सबसे पहले चीज बोल देता हूं, ये तो फोन का अगर आप देखेंगे ना स्पेसिफिकेशन में काफी सिमिलरिटी के साथ आ रहे हैं एक्सेप्ट डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के बारे में हम लोग एकदम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग दोनों फोन का डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे। तो डिजाइन के मामले में दोनों फोन ही काफी अच्छे हैं, काफी अच्छा डिजाइन के साथ आ रहे हैं, दोनों ही जो है डिजाइन के मामले में अच्छा है। बट मोटोरोला का फोन जो है प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन है, प्लस इधर जो आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल डिजाइन तो अच्छा है बट ग्लास बैक होना चाहिए था जिस तरह प्राइस में ये फोन लॉन्च हो रहा है। बट मोटोरोला देता नहीं है इस बजट में, बट देने का ट्राई करना चाहिए। सेम टाइम अगर हम लोग रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स प्रो को देखेंगे, इधर जो आपको ग्लास बैक डिजाइन देखने को मिला था, इधर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया स्क्रैच रेजिस्टेंट करने के लिए ये फोन का बैक। तो ओवरऑल डिजाइन के मामले में दोनों फोन अच्छे, बट बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा प्रीमियम आपको दे सकता है रेडमी नोट 10 प्रो। बट अगर देखा जाए तो दोनों फोन ही अच्छा है। नेक्स्ट अगर दोनों फोन का फिजिकल ओवरव्यू की बात करेंगे, दोनों में आपको स्पीकर के नीचे देखने को मिलेगा, दोनों में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा, दोनों में जो है आपको डुअल सिम प्लस एसडी कार्ड का स्लॉट ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसका बाहर में रेडमी नोट 10 प्रो में जो है आपको स्टूडियो स्पीकर का और एक स्पीकर आपको ऊपर में देखने को मिलेगा, इसका अलावा आयर ब्लास्टर भी आपको देखने को मिलेगा ये फोन में। तो नेक्स्ट अगर हम लोग दोनों फोन का रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को देखेंगे तो दोनों में जो है आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलेगा, UFS टाइप का स्टोरेज आपको दोनों फोन में मिलने वाला है। तो वीडियो का बाकी पार्ट में जाने का पहले आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दो, तो इस तरह वीडियो का आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आप लोग वीडियो देखते हो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, इसके लिए जो व्यूअर्स इस चैनल में सब्सक्राइबर के रेशियो 1% का भी नीचे चल रहा है, हम लोग पिक्चर भी दिखा रहे हैं, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 सेकंड का भी काम नहीं है। एंड वीडियो अच्छा लगने पर हेल्पफुल होने पर प्लीज वीडियो में लाइक देकर हम लोगों का वीडियो का लाइक करके जो 50 रख लिया ये भी फील कीजिए, तो इससे जो है और भी ज्यादा रीच होने में हेल्प करेगा ये वीडियो और भी ज्यादा व्यूअर्स के पास। तो नेक्स्ट अगर हम लोग दोनों फोन का कैमरा सेगमेंट को देखेंगे, दोनों फोन का कैमरा सेगमेंट देखिए कंप्लीट सिमिलर है। प्राइमरी कैमरा दोनों में आपको 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, बट कौन सा सेंसर यूज किया गया इसके बारे में कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं है। बट रेडमी का फोन में जो आपको सैमसंग का GW3 सेंसर देखने को मिलेगा, जिधर पिक्सल साइज 0.7 माइक्रोन का देखने को मिलेगा, पिक्सल बिनिंग में 1.4 माइक्रोन में होते देखने को मिलेगा। हालांकि इस बजट में जो है पिक्सल साइज 0.8 माइक्रोन या पिक्सल बिनिंग में 1.6 माइक्रोन का जो सेंसर है ये सेंसर दिया जा सकता था, बट ये चीज रेडमी ने क्यों नहीं दिया क्लियर नहीं हुआ। इसका बाहर में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस भी आपको देखने को मिलने वाला है। इसका बाहर में 5 मेगापिक्सल का एक आपको टेली मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा जो ओवरऑल क्वालिटी के मामले में काफी अच्छा है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर भी देखने को मिलेगा। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट फेसिंग सेल्फी शूटर भी देखने को मिल जाएगा। सेम टाइम अगर मोटोरोला का देखेंगे, मोटोरोला में जो है आपको इधर भी 64 मेगापिक्सल का कैमरा ही मिलने वाला है, डिटेल हम लोग पता नहीं है। इसका बाहर में जो है आपको 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रावाइड लेंस देखने को मिलेगा, इसमें इम्बेडेड आपको जो है मैक्रो लेंस भी देखने को मिलेगा। तो मैक्रो फोटोग्राफी की क्वालिटी के मामले में ज्यादा अच्छा होने वाला है मोटोरोला। इसका बाहर में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग का एक सेंसर भी देखने को मिलेगा। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी शूटर ये फोन में भी देखने को मिल जाएगा। कैमरा के मामले में मैं बोलूंगा दोनों फोन मोरल लेस आपको सिमिलर परफॉर्मेंस करते देखने को मिलेगा। हो सकता है कलर टेम्परेचर में थोड़ा अलग दोनों फोन हो जाएगा, बट डिटेलिंग बोलिए डायनामिक रेंज बोलिए मोर ऑर लेस आपको काफी हद तक सिमिलर देखने को मिलेगा। लो लाइट में भी आपको दोनों फोन काफी हद तक सिमिलर ही परफॉर्म देखने को मिल जाएगा, दोनों ही डेडिकेटेड लो लाइट के लिए
एक मोड भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्ड अप टू 4K तक आपको दोनों फोन में देखने को मिलेगा, 1080p के ऊपर EIS देखने को मिलेगा 30fps के ऊपर। स्लो मोशन टाइम स्लैप की तरह फीचर जो है दोनों फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस को देखेंगे, दोनों में स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत ही एक अच्छा ताकतवर प्रोसेसर है, जो इस बजट में एक काफी अच्छा दोनों फोन में आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे। तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई चिंता नहीं है, गेमिंग बोलिए, अपडेटेड टास्क बोलिए, हर एक चीज आपको काफी अच्छे से इधर होते देखने को मिलेगा। इसका बाहर में अगर हम लोग बैटरी की बात करेंगे तो मोटोरोला का फोन में आपको 6000mAh की बैटरी देखने को मिलेगा विद 20W का चार्जर एडाप्टर इनबॉक्स दिया गया। हाँ, चार्जर एडाप्टर थोड़ा स्लो तो है, बट अच्छा खासा स्पीड में आपको ये चार्ज होते देखने को मिल जाएगा। सेम टाइम अगर हम लोग रेडमी नोट 10 प्रो को देखेंगे तो इधर जो है प्रोबेबली 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगा, 33W का चार्जर एडाप्टर इनबॉक्स दिया गया, जो चार्जर से चार्ज करेंगे तो विद इन 1.5 आवर के अंदर अंदर आपका फोन चार्ज होते देखने को मिलने वाला है। इसका बाहर में अगर हम लोग जो मेन जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे वो है डिस्प्ले। तो मोटोरोला का ये फोन में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का एक 500 वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, बट ये जो है IPS डेंसिटी डिस्प्ले। बट डिस्प्ले का क्वालिटी की बात करेंगे, मैं काफी यूट्यूबर का वीडियो देखा, काफी टेक क्रिएटर का, प्लस मैं काफी ब्लॉग भी देखा जो न्यूज आर्टिकल का ब्लॉग होता है, हर एक जगह में एक चीज मेंशन किया गया, नहीं तो बोला गया ये जो डिस्प्ले है IPS ये अच्छा डिस्प्ले यूज किया गया, तो इसमें जो ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है ये भी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल क्वालिटी के मामले में ये डिस्प्ले अच्छा है। बट अगर Redmi Note 10 Pro को देखेंगे तो Redmi ने एक जो है हिस्ट्री क्रिएट किया Redmi Note 10 सीरीज के साथ। ये बजट में आपको AMOLED डिस्प्ले तो देखने को मिल रहा है, प्लस इधर 120Hz रिफ्रेश रेट भी दिया गया, मतलब ये दो चीज का कॉम्बिनेशन जो है डेडली कॉम्बिनेशन बना देता है Redmi Note 10 Pro के लिए। तो ये जो है काफी आगे एडवांटेज ले जाते हैं डिस्प्ले के मामले में। अगर ये एक ही एडवांटेज के लिए जो है Redmi के पास काफी ज्यादा माइलेज हो जाता है। दोस्तों अगर नेक्स्ट दोनों फोन के सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो मोटोरोला काफी आगे, क्योंकि Redmi Note 10 Pro में जो है आपको MIUI देखने को मिलेगा बेस्ड ऑन Android 10। काफी तरह तरह का कस्टमाइजेशन का फीचर तो देखने को मिल जाएगा। MIUI एक टाइम जो काफी अच्छा था, बट आज के दिन में MIUI जो उतना कुछ खास नहीं है, काफी कस्टमाइजेशन का फीचर तो देखने को मिलता है, एड अनवांटेड एप्स इंस्टॉल, इसके अलावा नोटिफिकेशन आ जाने की तरह प्रॉब्लम, और इसका साथ काफी अनस्टेबल जो परफॉर्मेंस है ये देखने को मिल रहा है MIUI के साथ। ये सब चीज उतना आपको अच्छा एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर के मामले में नहीं दे पाएगा मुझको जो लगता है। बट मोटोरोला को देखेंगे, मोटोरोला हमेशा ही जो है स्टॉक एंड्रॉइड की तरह एक UI देते आ रहा है इस मोटोरोला का फोन में। ये फोन में भी आपको नियर अबाउट स्टॉक एंड्रॉइड की तरह एक UI देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड 11 प्लस, काफी एक क्लीन पॉलिश्ड आपको UI देने को मिलेगा। एंड्रॉइड 12 का अपडेट तो मिल जाएगा, एंड 2 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट के बारे में मोटोरोला कन्फर्म किया इधर दिया जाएगा, हालांकि 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट ये फोन में देना चाहिए था। तो ओवरऑल अगर देखेंगे दोनों फोन काफी अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, डिस्प्ले को छोड़कर देखा जाए तो दोनों फोन काफी अच्छा। तो दोस्तों मोटोरोला का ये जो फोन है, ये फोन का जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में जो है मुझको जो लगता है आराम से एक AMOLED डिस्प्ले इधर ऐड किया जा सकता है ये सेम बजट की आता है 60Hz रिफ्रेश रेट का। बट अगर ये चीज मोटोरोला करता था तो ये फोन जो है बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता था, बट ये चीज इधर मिसिंग लगा, क्योंकि देखिए इधर हम लोग 120Hz का रिफ्रेश रेट का IPS जरूरी नहीं है, AMOLED 60Hz होता तो एटलीस्ट ज्यादा अच्छा हो सकता था सेम प्राइस के अंदर। इवन ये फोन में प्लास्टिक बिल देखने को मिल रहा है, ग्लास बिल भी नहीं है, तो ये सब प्राइस को अगर ऐड किया जा सकता था डिस्प्ले के लिए तो और भी अच्छा एक चॉइस बना सकता था मोटोरोला का ये फोन। हालांकि अभी भी काफी अच्छा एक ऑप्शन दे रहा है, और अगर आप सॉफ्टवेयर के मामले में काफी सीरियस हो, एक अच्छा क्लीन एक्सपीरियंस आपको चाहिए सॉफ्टवेयर के मामले में, तो आप ऑब्वियसली मोटोरोला का ये फोन लीजिए। सॉफ्टवेयर के मामले में जो ये फोन काफी आपको अच्छा पॉलिश एक एक्सपीरियंस देने वाला है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए 1000 रुपया ज्यादा देकर Redmi Note 10 Pro लेना ही ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट जस्ट 1000 रुपया ज्यादा देने पर मिल रहा है। बट कौन सा फोन आप लेंगे ये तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप वो नीचे जरूर कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो काफी अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोगों को वीडियो को लाइक कर दीजिए, 50 रखा गया जरूर फिल कीजिए। वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज जानना है नीचे फिल वीडियो का कमेंट कीजिए, आपका कमेंट के आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। एंड चैनल में नया नया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिर एक नया वीडियो मुलाकात होने जा रहा है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय। एंड ये वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड कलीग मेंबर फैमिली मेंबर के साथ।